आज कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के द्वारा ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सके। जिसके लिए कमिश्नर महोदय ने अपील की है कि जिन लोगों को सिलेंडर की जरूरत पूरी हो चुकी है, वो इन्हें इससे जुड़े उपकरण पुलिस लाइन स्थित बैंक में जमा कराएं। अगर उन्हें दोबारा जरूरत महसूस होती है तो तत्काल वापस कर दिया जाएगा। इस अभियान से गंभीर बीमारी या जरूरतमंद लोग फायदा उठा सकेंगे, साथ ही पुलिस लाइन से ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी। ये सारी व्यवस्था निशुल्क रहेगी। इस कार्य में जो वेल्डिंग वगैरह का कार्य कर रहे हैं, जिनका काम इस समय कोरोना नियमों के अंतर्गत बंद है, उनकी अच्छी भागीदारी हो सकती है। इसलिए कानपुर नगर से हर उस व्यक्ति, संस्था, समाज सेवियों से अनुरोध है कि इस आपत्ति में अपनी उल्लेखनीय भागीदारी सुनिश्चित कराएं। कानपुर से इंडिया समाचार के लिए गौरव पासवान टाइगर की ये रिपोर्ट। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सुझाव आ रहे थे और कई लोगों ने अपने सिलेंडर कानपुर पुलिस को दिए कि इसको जिसको जरूरत है उनको आप दे दें। इस चीज को व्यवस्थित करते हुए एक ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आपके पास ऐसा कोई सिलेंडर है जिसका आप अभी उपयोग नहीं कर रहे, आपके मरीज को अब जरूरत नहीं है, या आप वेल्डिंग का काम करते हैं, इस समय आपका काम नहीं हो रहा है, या अन्य किसी भी कारण से, तो आप अपने ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर को दान दे सकते हैं या उधार दे सकते हैं इस ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक में। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा और आवश्यकता के पूरी होने के बाद में आपको ये सिलेंडर वापस कर दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था है, इसमें कहीं भी किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। केवल प्रयोजन ये है, उद्देश्य ये है कि जिसकी ज़रूरत है उस तक समय से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच पाए।